नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे YouTube चैनल टेक्नो बैंकिंग में। दोस्तों पिछले दो वीडियो में मैंने आप लोग को बताया कि ICICI बैंक में अपना जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ऑनलाइन घर बैठे कैसे ओपन कर सकते हैं। साथ ही आप ये भी आप लोग को बताया अगर आप लोगों ने अकाउंट ओपन कर लिया है तो आप लोग फर्स्ट टाइम इंटरनेट बैंकिंग के लिए कैसे रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। तो आज की वीडियो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ अगर आप लोगों ने ये दोनों वर्क कर लिया है तो आप लोग ICICI बैंक का मोबाइल एप्लीकेशन यानी कि मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन आई मोबाइल एप्लीकेशन को कैसे एक्टिवेट कर पाओगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग को प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से जाकर इस एप्लीकेशन यानी कि आई मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद आप लोग इसे डायरेक्टली अपने मोबाइल में ओपन कर दोगे। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहां पे सबसे ऊपर ब्लू कलर में लिखा गया है लेट्स गेट स्टार्टेड, तो इसी पे आप लोग को क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा और यहां पे आप लोग को ब्लू कलर में लिखा दिख जाता है एक्टिवेट नाउ, तो इसी एक्टिवेट नाउ के ऑप्शन पे आप लोग को क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग एक्टिवेट नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करोगे मोबाइल वेरिफिकेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग सकता है मोबाइल वेरिफिकेशन में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मोबाइल वेरिफिकेशन स्टार्ट हो गया है। इसके लिए आप लोग के मोबाइल नंबर में कुछ ना कुछ या जैसे कि 1, 2 या फिर 3 रुपये बैलेंस होना जरूरी है क्योंकि ये आपके बैंक को एक SMS भेजता है। तो इसीलिए आपके मोबाइल नंबर में कुछ ना कुछ बैलेंस होना जरूरी रहना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आप लोग को अपना एक 4 डिजिट का पिन क्रिएट कर लेना है। यही 4 डिजिट का पिन जब भी आप लोग अपना आई मोबाइल एप्लीकेशन लॉगिन करोगे तो लॉगिन करते वक्त आप लोग को ये पिन फिलअप करना पड़ेगा। तो आप लोग कोई भी एक सुटेबल जो आप लोग को हमेशा याद रहे वो पिन यहाँ पर क्रिएट करके आप लोग री एंटर कर देना है। तो पिन क्रिएट करते समय एक चीज़ और आप लोग ख्याल रखिएगा कि पिन हमेशा नंबर न्यूमेरिक ही होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग एक पिन क्रिएट कर लोगे तो यहाँ पे जैसे कि मैं पिन क्रिएट कर रहा हूँ आप लोग देख लीजिए, उसी तरीके से आप लोग भी कोई एक नंबर यानी कि 4 डिजिट का नंबर यहाँ पे क्रिएट करके उसे री एंटर कर देना। तो पिन क्रिएट करने के बाद आप लोग को नॉर्मली बस सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके सामने एक और न्यू पेज ओपन होगा और यहाँ पर आप लोग को ओके बस कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा और यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन पूछ रहा है कि यूज डेबिट कार्ड यानी कि मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट करने के लिए आप लोग को 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन डेबिट कार्ड के थ्रू, अगर आप लोग को डेबिट कार्ड तो अभी मिला नहीं होगा क्योंकि आप लोगों ने न्यू अकाउंट ओपन किया है। और दूसरा ऑप्शन आपको मिल जाता है यूज इंटरनेट बैंकिंग यूजर आईडी एंड पासवर्ड। तो अगर आप लोगों ने इंटरनेट बैंकिंग का यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर लिया है तो दूसरे ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, देन प्रोसीड कर देना है। दोस्तों आप लोग की जानकारी के लिए मैं एक चीज़ और बता दूं, अगर आप लोगों ने इंटरनेट बैंकिंग अभी एक्टिवेट नहीं किया है तो उसका वीडियो मैंने प्रॉपर बना दिया है, तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो। इसके बाद इस पेज पे आप लोग को सबसे पहले अपने इंटरनेट बैंकिंग का यूजर आईडी सबसे ऊपर फिलअप करना है, देन पासवर्ड फिलअप करना है। इसके बाद सबसे नीचे आप लोग को एक्टिवेट का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। तो जैसे आप लोग एक्टिवेट पे क्लिक करोगे आप लोग का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन यानी कि आई मोबाइल एप्लीकेशन एक्टिवेट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे फिंगरप्रिंट इनेबल करने के लिए बोल रहा है, तो अगर आप लोग इंस्टेंट करना चाहते हो तो आप लोग अपना फिंगरप्रिंट भी इनेबल कर सकते हो, बट अगर आप लोग बाद में करना चाहते हो तो आप लोग नो थैंक्स पे बस क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी 24 आवर में यानी कि एक्टिवेशन के 24 आवर में बस आप लोग को 10,000 रुपये ही ट्रांसफ़र करने की, यानी कि किसी को नेफ्ट करना हो, IMPS करना हो या फिर RTGS करना हो तो 10,000 रुपये तक ही आप लोग ट्रांसफ़र कर सकते हो। उसके बाद यानी कि 24 घंटे के बाद आप लोग जितनी भी आप लोग को लिमिट मिली होगी 1,00,000 रुपये उतना आप लोग ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो अगर आप लोग फिंगरप्रिंट तुरंत ही इनेबल करना चाहते हो तो इनेबल फिंगरप्रिंट पे क्लिक करके आप लोग कर सकते हो, बट अगर आप लोग तुरंत नहीं करना चाहते हो तो आप लोग नो थैंक्स पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे UPI आईडी क्रिएट करने के लिए बोल रहा है, जिसके थ्रू आप लोग UPI आईडी क्रिएट करके तुरंत ही किसी को फंड ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो अगर आप लोग UPI आईडी क्रिएट करना चाहते हो तो यहाँ पे नीचे क्रिएट UPI आईडी पे क्लिक करके आप लोग को UPI आईडी क्रिएट कर लेना है, बट अगर आप लोग बाद में करना चाहते हो तो आप लोग को स्किप कर देना है। स्किप करते ही आप देख सकते हो मैं अपने इंटरनेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग में लॉगिन हो चुका हूँ। तो इस तरीके से आप लोग भी अपने मोबाइल बैंकिंग में लॉगिन कर सकते हो। यहाँ से आप देख सकते हो तुरंत ही किसी को फंड ट्रांसफ़र कर सकते हो, बिल पे कर सकते हो, रिचार्ज कर सकते हो, माई अकाउंट में जाकर आप लोग अपने अकाउंट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। इसके अतिरिक्त और भी कई सारे लोन वगैरह के ऑप्शन आप लोग को यहीं पे अपने मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में मिल जाते हैं, मतलब अकाउंट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग को इसी एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएगी। दोस्तों बहुत सारे लोगों का यह भी क्वेश्चन था कि उन्होंने अपना अकाउंट ओपन तो कर लिया लेकिन उन्हें वर्चुअल डेबिट कार्ड अभी नहीं मिला। तो यहाँ पर सबसे ऊपर आप देख सकते हो कि आपको ऑप्शन मिल जाता है डेबिट कार्ड का, तो इसी डेबिट कार्ड के ऑप्शन पे आप लोग को क्लिक कर देना है। इसके बाद आई थिंक यहाँ पे आप लोग को डेबिट का वर्चुअल डेबिट कार्ड देखने को मिल जाए। तो यहाँ पे आप देखते हो अनेबल टू फेच करके लिख रहा है, तो यहाँ पे अभी वर्चुअल डेबिट कार्ड शो नहीं कर रहा है, बट आई थिंक ये 1 या 2 दिनों के अंदर यहाँ पे शो करने लगा क्योंकि वेबसाइट पे साफ साफ मेंशन है कि आपके आई मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड देखने को मिलेगा।
तो अभी मैंने अकाउंट जस्ट 2 दिन हुआ है ओपन किया और अपना मोबाइल बैंकिंग अभी आज ही एक्टिवेट किया है, तो हो सकता है कि कुछ टाइम ले। तो 1 या 2 दिनों के अंदर, आप लोग घबराइए नहीं, 1 या 2 दिनों के अंदर डेफिनेटली ही यहाँ पे आपके आई मोबाइल एप्लीकेशन पे वर्चुअल डेबिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना से। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर तो कर ही दीजिएगा, और इसके साथ ही अगर आप लोग को इंस्टा माइंड सेविंग अकाउंट से तो कोई भी क्वेरी है तो आप लोग नीचे निसंकोच हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।